मुझे से सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले आप जब कोई भी फाइल सेव करते हो तो आप सेव एज को ऑप्शन एक बार सेलेक्ट करोगे। कोई भी हम पहली बार फाइल को सेव करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। उसके अंदर अगर अलग से अगर कुछ आपको ऐड करना है, जैसे हमने ये फाइल यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, एक बार हमारी फाइल सेव होगी, आप नेक्स्ट डे आते हो, उसके अंदर आप कुछ अलग से और टाइप करते हो, एक्स्ट्रा आपने लाइन लिखी है, आप चाहते हो जो लाइन लिखी है वो सेव हो। एक बार कुछ टाइप करना, पहले एक मिनट देखो, ये हमारी फाइल सेव है। हाँ सर, सामने देखिए फाइल सेव है ना, फाइल पे क्लिक करने पर ठीक है, कुछ नहीं, हमारे फाइल है, आपने कुछ लाइन टाइप किया, ठीक है, आप चाहते हो इससे में जो अभी मैंने टाइप किया है वो इसी डॉक्यूमेंट में आ जाए एक्स्ट्रा से, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, जैसे कुछ लाइन टाइप करना, पहले हमारी इतनी फाइल इतना लाइन लिखा हुआ था, अलग से हमने ये लिखा, अब मैं चाहता हूँ जो ये लिखा हुआ ये भी इसी डॉक्यूमेंट में आ जाए, इसके लिए मैं क्या करूंगा फाइल पे जाऊंगा, सेव कर दूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, जो भी आपने चेंजेस किया है वो इसी के अंदर आ जाएगा। ये था सेव करना, ठीक है। अब आप चाहते हैं जो मैंने फाइल सेव किया हुआ है, ठीक है, ये हमारी सेव फाइल है, अब मैं चाहता हूँ जो मैंने नाम लिखा हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं जब फाइल बनाता हूँ तो मुझे बार बार फाइल को सेव करना होगा? सुनने में आया था कि ना जैसे हम कुछ 10 लाइन लिखते हैं तो मुझे बार बार सेव करना होता है, रीजन क्या हो सकता है इसका? रीजन ये है, जैसे आपकी कोई फाइल है, ठीक है, आप उस सेव फाइल के अंदर कुछ काम कर रहे हो आप अलग से उसके अंदर कुछ लाइन लिख रहे हो, अगर आप क्या करते सेव नहीं करते जो आपने अलग से काम किया हुआ है, अगर आप उसे सेव नहीं करते हो तो क्या होगा, अगर आपने डायरेक्ट सेव बिना करे सेव करे क्लोज कर देते हो, जो बाद में जो लाइन लिखी है वो उसके अंदर नहीं आएगा। इनकेस जैसे कि लाइट चली जाती है तो उसमें बताया गया तो उसमें भी हेल्पफुल होता है थोड़ा सा वो, इसीलिए जब भी हम कोई लाइन्स लिखते हैं तो जैसे मान लो 10 लाइन लिखा, क्या करेंगे सेव कर देंगे, जो हमने लिखा वो हमारे पास सेव रहेगा, नहीं तो क्या होगा, जो भी लिखा है वो सारा चला जाएगा, ठीक है। और सेव ऐसे क्या होता है, सेव ऐसे क्या होगा, जो अभी हमारे जो फाइल पहले हमने सेव कर दिया, सेव ऐसे क्या है, जो हमारे पहले से फाइल सेव है, आप चाहते हो कि मेरे नाम भरत के नाम से सेव है, इसको मैं किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, आपने एक बार फाइल को क्या क्या सेव करते हैं किसी एक लोकेशन पे करते हैं, देखिए मेरे फाइल कहाँ पे सेव किया, ये फाइल कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है ना, आप चाहते हो कि फाइल मेरी डेस्कटॉप पे ना रह के मुझे दूसरे लोकेशन पे इसको सेव करना है, डेस्कटॉप की जगह डॉक्यूमेंट में, और जो भरत के नाम लिखे थे मैं अंजाना के नाम चेंज करना चाहता उस फाइल को, तब मैं सेव एज यूज करूंगा, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक किया फिर से एक बॉक्स आ जाएगा, आ गए यहाँ पे, अब यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो, लोकेशन चेंज कर सकते हो, सेम वैसे ही प्रोसेस आ जाएगा, जो आपकी फाइल रहेगा डेस्कटॉप पे भी रहेगा, जो नया आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करोगे वहाँ पे भी ये फाइल आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, नाम यहाँ पे चेंज किया, चेंज हो गया, फाइल नेम भी चेंज हो गया और इसका जो लोकेशन है वो भी चेंज हो गया, किसी को कोई डाउट है? आप लोगों ने फाइल को सेव किया कहाँ पे सेव किया, सबने डेस्कटॉप पे सेव किया है, पहले फाइल इन्होंने क्रिएट ही नहीं करी, पहले उनको टाइप करने दो फिर सेव करने दो उसके बाद आगे करो, पहले फाइल सेव कीजिए, सभी फाइल को सेव कीजिए, ये टाइप करवा देते हैं इनसे, एक लाइन लिख के कोई भी एक लाइन टाइप कीजिए और इसको फाइल को सेव कीजिए डेस्कटॉप पे, भाई
आप डेस्कटॉप से डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, कोई दूसरे